भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, यहां से मंत्रालय तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता श्रीमान विनोद तावड़े जी, मेरे साथी और राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम जाजू जी, आज ही जिनकी संघर्ष यात्रा का समापन कर हम लोग यहां आए हैं, ऐसी बहन पंकजा, श्रीमान गिरीश बापट जी, पुणे के संसद सदस्य जी, माधुरी जी, भीमराव तपकीर जी, माधव जी भंडारी, बाला भोगड़े जी, प्रदीप रावत जी और इस विशाल सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और इस सभागार के बाहर भी वीडियो पर देख रहे सभी कार्यकर्ताओं का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा और प्रेस के मित्रों इस पुण्य नगरी में आकर मैं आज रोमांचित भी हूं और यहां से चेतना भी प्राप्त करता हूं। ये संत ज्ञानेश्वर की नगरी है, संत तुकाराम जी नगरी। यहां पर समर्थ रामदास स्वामी ने भी अपने पैर पसारे हैं और शिव छत्रपति ने यहां से ही स्वराज की स्थापना का मूल मंत्र पूरे देश को दिया था। मित्रों, तिलक और वासुदेव बर्मन फड़के की यह भूमि है, वीर सावरकर की भूमि है। इस भूमि ने हमेशा कोई भी युग रहा हो भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व किया है, राजकीय नेतृत्व किया है और जहां जरूरत पड़ी वहां रण समर में भी भारत का नेतृत्व करने का काम इस पूरे नगरी ने किया है। आज इस विशाल कार्यक्रम के अंदर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के अंदर चुनाव, 19 अक्टूबर को तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में 5 साल तक किसके हाथ महाराष्ट्र की सत्ता रहने वाली है। मित्रों, यहां से हर कार्यकर्ता एक प्रण लेकर जाए, जब तक 19 तारीख का काउंटिंग समाप्त नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मन वचन कर्म से इस चुनावी समर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतया समर्पित रहकर विजय श्री का वरण कर वापिस आएगा। मित्रों, बहुत जरूरी है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विजय बहुत जरूरी है। मैं आगे पर इसकी बात करूंगा, मगर लोकसभा के चुनाव के बाद मैं यहां पहली बार आया हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी पहली बार आया हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पुणे महानगर और पुणे जिले की जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने यहां से कमल मोदी जी के लिए दिल्ली में भेजा है और इसी के कारण एक मजबूत सरकार आज दिल्ली में बैठी है। मित्रों, 100 दिन हुए नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बने हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए सिर्फ 100 दिन हुए और
और 100 दिन के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारी। सबसे पहली बात, देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है जो देश की जनता की बात बोल सकता है। 10 साल तो हम प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ सुनते नहीं थे। सुनते थे क्या आप? मगर ये प्रधानमंत्री आपकी आवाज बनकर लाल किले की प्राचीर से बोल रहा है और देश को बता रहा है कि आगे देश कैसे चलेगा। जब नरेंद्र भाई लाल किले की प्राचीर से अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और सामने बुलेट प्रूफ कांच नहीं होता, तो भारत की जनता का हृदय गदगद फूल जाता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको बुलेट प्रूफ कांच की जरूरत नहीं है। मित्रों, इस सरकार ने शपथ विधि के दिन से ही भारत के सम्मान की चिंता की शुरुआत की थी। जिस दिन शपथ विधि हुई उसी दिन मोदी जी ने आसपास के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रित किया था और इसलिए निमंत्रित किया था कि इस उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा देश है और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पड़ोसियों को हम साथ में लेकर चलें। और उन्होंने पत्र लिखा था, निमंत्रण दिया था कि हमारे यहां लोकोत्सव हुआ है, हमारे यहां लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व समाप्त हुआ है और उसका उत्सव है, आइए आप भी इसमें शामिल होइए। और मुझे कहने में बड़ा आनंद है, सातों सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी की शपथ विधि में उपस्थित रहे और दुनिया भर में मैसेज गया कि भारत के इर्द गिर्द सार्क की राजनीति अब बुनने वाली है। उसी वक्त पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री यहां आए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मोदी जी ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि आइए, सालों से हमारी कई बातें हैं जिसका निपटारा नहीं होता, साथ में बैठकर चर्चा करें। चर्चा का निमंत्रण दिया, सचिव स्तर की बातचीत शुरू की और सचिव स्तर की बातचीत जैसे ही शुरू करी, पाकिस्तान ने हर बार की तरह कश्मीर से अलगाववादियों को बुलाकर उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। और कोई सरकार होती तो क्या होता, पहले सचिवों की मीटिंग होती, बाद में मंत्रियों की मीटिंग होती और बाद में मंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होती और बाद में कुछ नहीं होता। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, कोई मीटिंग नहीं हुई, जैसे ही समाचार आया 1 घंटे में प्रधानमंत्री ने कह दिया, या तो आप अलगाववादियों के साथ बात कर सकते हैं या तो भारत के साथ बात कर सकते हैं, भारत के हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इतनी स्पष्टता है मित्रों, सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता भारत की सीमाओं की सुरक्षा है, सर्वोच्च प्राथमिकता भारत का सम्मान है, यही मोदी सरकार का मंत्र है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्र है। मित्रों, इस सरकार ने 100 दिन में काफी काम किया, मगर अभी आपने देखा होगा कि जनधन योजना की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की। शायद यहां इस सभागार में बैठे हुए लोगों को इसकी अहमियत कम मालूम पड़े, मगर मैं कहना चाहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया तब ये सोचा गया था कि बैंक पूंजीपतियों के लिए नहीं होंगे, गरीबों के लिए होंगे। बैंक जिसके घर पे शाम को 2 निवाले नहीं पहुंचते उसकी चिंता करने के लिए होंगे। बैंक उसके लिए नहीं होंगे जिनके यहां संपत्ति के ढेर लगे हैं, इसमें और इजाफा करना है। मगर दुख की बात थी कि आजादी के 67 साल के बाद भी 65% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था, वो देश के अर्थतंत्र के अंदर हिस्सेदार नहीं थे, इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। एक व्यक्ति, आप कल्पना करिए कि इतने सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं था। मोदी जी ने जनधन योजना प्रारंभ की, बैंकों ने एक नियम बनाया था कि एक फिक्स अमाउंट रखेंगे तभी खाता खोल सकेंगे, उसको उन्होंने बदला, 0 बैलेंस अकाउंट भी खुल सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अकाउंट खुला सकता है। और जो व्यक्ति
अकाउंट खुलाएगा उसको 1 लाख रुपए का बीमा सरकार की ओर से देने का एक प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए आनंद है कि आज लगभग लगभग देश भर में 4 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं और 4 करोड़ लोग इस देश के अर्थतंत्र के हिस्सेदार बन चुके हैं। मित्रों, इसी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के साथ मांगी थी, क्योंकि हम मानते हैं कि इस देश की जो संपदा है, इस देश का जो अर्थतंत्र है, इस पर सबसे पहले अधिकार देश के गरीब का है। जिसके घर में खाना नहीं है उसका सबसे पहले अधिकार है। मित्रों, हम कहा करते थे कि देश की सीमाओं की सुरक्षा ठीक से नहीं हो रही। याद है ना हमारा चुनाव अभियान है या नहीं है? अभी अभी कहीं से दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया कि गोलीबारी तो अब भी हो रही है। श्रीमान दिग्विजय जी, आपकी आंखों पर मोतियाबिंब लग गया है, आपको देखते नहीं आता। पहले गोलीबारी वहां से शुरू होती थी और वहीं से बंद होती है, अब गोलीबारी वहां से शुरू होती है और बंद करने का निर्णय हम करते हैं। इतना फर्क ये नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। देश की सीमा का जवान जो सीमाओं की सुरक्षा करता है उसके हाथ इस सरकार ने बांध कर नहीं रखे। सामने से अगर गोली चलती है तो यहां से भी गोली चलने की इजाजत इस सरकार ने जवान को दे कर रखी है। और इसी के कारण आज गोलीबारी की संख्याओं में भारी मात्रा में कटौती हुई है। देश किस तरह से चलना चाहिए, ऐसे इसके एक 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 उदाहरण हम इन 100 दिन में ही चलाते हैं। मित्रों, हम सत्ता में आए उसके पहले 10 साल तक यूपीए का शासन रहा। 2004 में इस देश पर यूपीए का शासन आया, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। याद है ना आप लोगों को? याद है, प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने पहली कैबिनेट में पहला प्रस्ताव क्या रखा था, याद है आपको? नहीं है? मैं याद करा देता। प्रधानमंत्री बनने के बाद यूपीए सरकार की पहली कैबिनेट का प्रस्ताव नंबर 1 था कि अटल जी की सरकार ने आतंकवादियों को क्षीण करने के लिए एक पोटा नाम का कानून बनाया था। मत बैंक की राजनीति के कारण वो पोटा को निरस्त कर आतंकवादियों को पूरी छूट देने का प्रस्ताव यूपीए सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला प्रस्ताव क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला प्रस्ताव किया कि काला धन जो एक कांग्रेसी लोग विदेश में रखकर बैठे हैं उसको वापस लाने के लिए एक एसआईटी का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले प्रस्ताव में रखा। अपने देवेंद्र फडणवीस अभी कहते थे कि 11,88,000 करोड़ रुपया ले गए हैं, कहां रखा होगा? घर पे तो नहीं रखा होगा ना? घर पे रखा होगा? विदेश की बैंकों में जमा किया है, उसको वापस लाने के लिए एसआईटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पहला प्रस्ताव पारित कर किया। मित्रों, ये कमिटमेंट है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का, ये कमिटमेंट है गरीबी के खिलाफ लड़ाई का, ये कमिटमेंट है आने वाले दिनों में देश किस तरह से चलेगा उसका। कई बातें ऐसी हुई, मैं सारी बातें कहने जाऊंगा तो भागवत सप्ताह बिठाऊंगा 7 दिन की तो भी पूरी नहीं होगी, इसलिए मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। मित्रों, महंगाई आज 5 साल के सबसे नीचे दर पर है। 3 ही महीने में विकास दर के अंदर लगभग 2% की वृद्धि हुई है। इनकम टैक्स के अंदर मध्यम वर्ग के लोगों को छूट देने का काम भी इस सरकार ने किया है। कृषि विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करी है जिसके कारण किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो देश का दुनिया में गौरव प्रस्थापित करने का काम किया है। एक जमाना था जब मनमोहन सिंह यूं हाथ धरकर देखते थे कि अमेरिका क्या कह रहा है,
उससे कुछ प्रेरणा ले ले। और उनके साथी थे आहलूवालिया जी, वो देखते थे कि आईएमएफ क्या कह रहा है, उससे प्रेरणा ले। भारत की नीतियां भारत तय करता है। उस जमाने में देश का प्रधानमंत्री अमेरिका क्या देखता था, कहता है, उसकी तरफ नजर रखता है, रखता था। इस बार अमेरिका का विदेश मंत्री यहां आकर कहता है, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छी बात है। मित्रों, यह स्वीकृति है दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, भारत के नेतृत्व की स्वीकृति है। और हमें अच्छा लगता है जब विदेश के कोई भी घोरा यहां आता है, विदेश के कोई कूटनीतिज्ञ आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। आज भी कहते हैं कि अगर राहुल जी कुछ बोलते तो नतीजे ऐसे नहीं आते। सुना है ना, दिग्विजय ने कहा है, दिग्विजय को मालूम नहीं है राहुल जी अगर बोलते तो इतने भी नतीजे नहीं आते। अच्छा था कि वो चुप रह गए, आपका भाग्य था कि वो चुप रहे। अगर बोले होते तो ये 44 भी ना आता, शायद एक चौवा उसमें से निकल जाता और चार बच जाते। मगर मित्रों, देश के अंदर जो सरकार चली है इससे काम नहीं होता। देश का विकास तब तक समाप्त नहीं होता, देश का विकास तब तक अपनी ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता जब तक महाराष्ट्र इसके अंदर योगदान न करे। एक जमाना था कि महाराष्ट्र बहुत भव्य भूतकाल है महाराष्ट्र। यहां का किसान कैसे कृषि करता है वो देखने के लिए पूरे देश से यहां किसान आते थे। यहां के सहकारी आंदोलन से पूरा देश प्रेरणा लेता था। यहां के प्रामाणिक नेतृत्व के चर्चे देश भर में होते थे। यहां इन्वेस्टमेंट की होड़ रहती थी, हमेशा पहला नंबर जीडीपी में और इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र का होता था। इरिगेशन की सबसे तेज वृद्धि पंजाब में नहीं हुई थी, इरिगेशन की सबसे तेज वृद्धि यशवंतराव जी के समय में महाराष्ट्र में हुई थी। अर्बन डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल मुंबई के अंदर और उसके बाद में बाकी के शहरों में महाराष्ट्र में बनाया गया था। वो महाराष्ट्र के आज क्या हाल हो गए। 15 साल तक कांग्रेस और एनसीपी को पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का पूरा शासन महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और 15 साल में क्या हुआ। साकर कारखाने बंद पड़े हैं, सहकारी बैंकें बंद पड़ी है, घोटालों का कोई पार नहीं रहा, खेडूत किसान आत्महत्या करता। 15 साल में 35,000 किसानों ने आत्महत्या की है और देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने वाला कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ठिकाना नहीं, अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर झुग्गी झोपड़ियों की भरमार इस 15 साल में इन लोगों ने कर दी है और चरित्रवान नेताओं की जगह घर भरने वाले नेता यहां पर आ गए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं पुणे में हूं इसलिए विशेष रूप से कहता हूं कि इस देश में करप्शन को किसी ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है तो शरद राव ने किया है, ये मैं कहने में जरा भी झिझक नहीं। पूरी व्यवस्था को शरद राव सिस्टम के डिस्ट्रॉयर है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम शरद राव ने किया है और भ्रष्टाचार को उन्होंने व्यवहार बना दिया है। इसी के कारण महाराष्ट्र की साख देश भर में नीचे गई। मित्रों, आज यहां पर मैं पुणे के अंदर बोल रहा हूं और चुनाव के आगे के समय में बोल रहा हूं, इस वक्त मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक जमाने में बहुत बिजली की स्थिति अच्छी थी। आप पुणे छोड़ दीजिए, पुणे के बाहर गांव में जाइए तो 16 से 18 घंटे बिजली नहीं मिलती है। और आप महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, गोवा में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, 24 घंटा बिजली है। मध्य प्रदेश पास में है, वहां जाइए, गांव में 24 घंटा बिजली है। गुजरात पास में है, वहां जाइए, 24 घंटा बिजली है। छत्तीसगढ़ पास में है, वहां जाइए, 24 घंटा बिजली है। कारण, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां कांग्रेस की सरकार है। इतना ही अंतर है। ये अंतर को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। मित्रों, ये अहंकारी नेता जब बोलते हैं
तब उनको मालूम नहीं है कि जनता बहुत कुछ देखती है, बहुत कुछ देखती है। और अभी अभी पृथ्वीराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद हर राज्य का दौरा शुरू किया और हर राज्य में कोई न कोई विकास कार्यक्रम होते। मोदी जी ने संघीय ढांचे को बल देने के लिए जहां भी भारत सरकार का कार्यक्रम होता है वहां के मुख्यमंत्री को वो अवश्य बुलाते, यहां पर भी आपके मुख्यमंत्री को बुलाया। कुछ राज्य भी आए, जनता ने वोटिंग कर दी, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि मेरा अपमान हुआ, ये षड्यंत्र है और अब मैं भारत सरकार के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। भाई पृथ्वीराज जी, 15 साल तक महाराष्ट्र को लूटने का काम आपकी पार्टी ने किया, आपके सहयोगी ने किया, और जब जनता नाराज है तो ताली बजाने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी कर दे आपको। किस प्रकार की मांग है आपकी? आपको समझना चाहिए कि हुटिंग क्यों हो रही है। ये पब्लिक कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, अभी हम बैठे इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम नहीं था, जनता के लिए पूरा कार्यक्रम था। और जनता जब कह रही है आप मत बोलिए, तो आपको समझना चाहिए कि जनता कह रही है कि आप गति छोड़िए, आप जगह खाली कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, वो आपको समझना चाहिए। मगर मित्रों, हर राज्य में मोदी जी के नेतृत्व में अब विकास की दौर है और महाराष्ट्र में क्या है, दोनों के बीच में महाराष्ट्र को लूटने की दौर है। कौन ज्यादा इकट्ठा करता है इस स्पर्धा महाराष्ट्र में चल रही है, विकास की स्पर्धा नहीं चल रही, लूटने की स्पर्धा चल रही है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को कहने आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर काफी कुछ नई चीजें हो रही है, मगर महाराष्ट्र उसका सहभागी तभी हो सकता है जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं, बहुत पुराने समय की बात है। मित्रों, दो राज्यों के बीच में किसी कारणवश युद्ध हो गया, दोनों सेनाएं एक बड़े मैदान में आमने सामने आ गई, दोनों राजा अपने अपने घोड़े पर सवार होकर सेनाओं का नेतृत्व करते थे। दोपहर होते होते तय हो गया कि एक राजा का विजय तय था, एक राज्य का विजय तय था और शाम तक विजय हो जाएगा ऐसा दिखने लगा था। सामने वाले के हौसले पस्त थे, अचानक ही जीतने वाली सेना का राजा जमीन पर गिर गया घोड़े पर से और अफवाह फैल गई कि राजा मर गया, सेना भाग गई, वो लोग युद्ध हार गए। बाद में इसकी मीमांसा हुई कि राजा जमीन पर क्यों गिर गया, तो कारण मालूम पड़ा कि घोड़े की जो नाल होती है वो लुहार ने ठीक से फिट नहीं की थी, इसलिए नाल निकल गई, घोड़े के पैर में तीर लग गया और राजा गिर गया। अगर लुहार घोड़े की नाल ठीक से फिट कर देता तो उसका राजा हारता नहीं, उसका देश हारता नहीं। घोड़े की नाल और लुहार वो बूथ का कार्यकर्ता है। मित्रों, अगर बूथ का काम आप लोग ठीक से कर लोगे तो भारतीय जनता पार्टी मत चिंता करिए कौन एमएलए बन रहा है, मत चिंता करिए कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने की भी मत चिंता करिए, सरकार बनाने की भी मत चिंता करिए। जिस बूथ में आप है वो बूथ आप जीत लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप जीत जाए। और ये काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया काम नहीं है, सालों से हम करते आए हैं, सालों से हम विजय को पाते आए हैं इसी मंत्र के आधार पर। और इसलिए जब मैं महाराष्ट्र आता हूं और परिचय कराते हैं, गुजरात में अमित भाई ने विजय दिलाई, उत्तर प्रदेश में विजय दिलाई, भाई बहुत हो गया, गुजरात और उत्तर प्रदेश पीछे चल गया, अब महाराष्ट्र में विजय दिलानी है और वो भारतीय जनता पार्टी के कारण। वहां पर भी कोई अमित शाह ने विजय नहीं दिलाई, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी बूथ का कार्यकर्ता एकदम चौक चबन था, बूथ पर लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैदी से अगर खड़ा रह जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई लड़ा नहीं सकता, कोई लड़ा नहीं सकता। आज बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा,
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसमें न हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ को जीतने की रणनीति बनाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथ को लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति बनाए तो भारतीय जनता पार्टी का विजय निश्चित है। आज मैं पंकजा मुंडे की संघर्ष यात्रा का समापन करते आया हूं। मैंने देखा है मित्रों 14 दिन से चली संघर्ष यात्रा का बीच बीच में देवेंद्र फडणवीस पंकजा और तावड़े जी रिपोर्टिंग करते थे, बात करते थे, उत्साह भेंट करते थे। मैं भी सुनता था मगर आज मैं देख कर आया हूं। मैं जनता की नब्ज जानता हूं। लिख कर रखिए विजय भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है। जनता आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और मैं आप लोगों के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को भी कहना चाहता हूं, आपने 15 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक की शासन व्यवस्था कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में दी थी। महाराष्ट्र का गौरव को उन्होंने क्षीण कर दिया। महाराष्ट्र को पहले नंबर से 13वें नंबर पे ला दिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करिए। 5 साल पंचायत से पार्लियामेंट तक की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। फिर से महाराष्ट्र का गौरव पुनः प्रस्तापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यहां से अपील करना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता कि भरोसा करिए मोदी जी के नेतृत्व पर, भरोसा करिए कमल के निशान पर, भरोसा करिए हमारे श्रद्धा केंद्र शिवाजी महाराज की राज्य चलाने के कौशल पर। उसी पथ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं और उसी पथ पर आगे बढ़ के महाराष्ट्र के लोगों को फिर से पुनः प्रस्तापित करेंगे। मित्रों, एक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप लोग ज्यादातर कार्यकर्ता शायद पुणे के होंगे या पुणे के जिले के होंगे, मगर आप लोग एक प्रण लेकर जाइएगा कि 19 तारीख तक तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर, हर गांव, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के निशान और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर जाइए और विजय सिंह का वरण कर भारत माता के जयकारों के साथ वापिस आइए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। यही अभ्यर्थना, भारत माता की जय। एक बार ताली मत बनाइए, दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी बांध कर और हनुमान जी की मुट्ठी बांध कर जोर से भारत माता की जय मेरे साथ सब बोलेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम।